जय श्री माता जी फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ खोया कुल्फी। और खोया कुल्फी मैं आज खोया से नहीं बर्फी से बनाऊंगी। तो ये बर्फी ली है, ब्राउन बर्फी ली है। ये 11 टेबलस्पून चीनी का पाउडर लिया है और यहाँ पर ये 6 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है। ये थोड़ी सी छोटी इलायची ली है और यहाँ पर ये मिल्क लिया है, 6 कप ये मिल्क है। तो फ्रेंड्स आओ बनाना शुरू करते हैं हम अपना खोया कुल्फी। तो सबसे पहले हम अपनी ये छोटी इलायची है इसको हम क्रश कर लेंगे इसके अंदर डालकर। ऊपर एक पैन लिया है, इस पे हम 6 कप दूध डालेंगे। ये 6 कप दूध ले लिया है हमने। टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। ऐसे ही डालना है नहीं तो हमारा जो है लम्स बन जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमें मिल्क पाउडर डालना है और अपने दूध को लगातार चलाते जाना है। बर्फी को कद्दूकस कर लेंगे। इतना हमारा दूध पक रहा है इतना हम अपनी बर्फी को कद्दूकस कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये दूध को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें शुगर पाउडर डालेंगे 11 टेबलस्पून, क्योंकि इसमें हम बर्फी डाल रहे हैं खोए की जगह, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 11 टेबलस्पून लिया है। अगर आप खोए से अपनी कुल्फी बना रहे हैं तो आप 12 टेबलस्पून शुगर लेंगे। इसको हम धीरे धीरे डालकर मिलाएंगे ताकि हमारा जो दूध है वो ना फटे। एक साथ शुगर मिलाने से कई बार हमारा दूध फट जाता है, तो इसलिए हम इसको धीरे धीरे करके मिलाएंगे। सब 1 कप हम इसमें ये अपनी कद्दूकस करी हुई बर्फी डालेंगे। धीरे धीरे करके डालेंगे नहीं तो लम्स बन जाएंगे। अपने हाथों को थोड़ा पीछे रखें क्योंकि डालते हुए छींट पड़ सकती है। और अब इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए पंखे की हवा में रख देंगे। फ्रेंड्स अभी हमारा दूध ठंडा हो गया है, अब हम इनको आइसक्रीम मोल्ड्स में डालेंगे। फ्रीजर में रखेंगे तो हमारी कुल्फी बनकर तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स अब हमारी कुल्फी को रखे हुए ओवरनाइट हो गया है। अब हमारी ये कुल्फी जम गई है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए हमारी कुल्फी बनकर कितने अच्छे से तैयार हुई है और मैंने इसको गार्निश भी कर दिया है। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स बर्फी से खोया कुल्फी बनाने की, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए।
धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।